आपको टाइटल में देख के पता चल गया होगा ये क्या चीज है। ये देखिए। सो गाइस, ये है डीजे ऑस्मो पॉकेट। सो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो लेट्स अनबॉक्स दिस। ये देखिए। सो गाइस, आप देख सकते हो ये रहा हमारा कुछ इस टाइप का पैकिंग है। देख सकते हो इसका बॉक्स ऐसा है। DJI ओस्मो पॉकेट 2999 29,990, मतलब कि 30,000 रुपये की प्राइस है। सो मुझे पड़ा है 10,827। सो काफ़ी चीपेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी। देखिए कि मैन यूनिट यही है। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके साथ आपको मैनुअल्स भी देखने को मिलता है। दिस इज अ स्ट्रैप फॉर DJI ओस्मो पॉकेट, नाइस क्वालिटी। And you can see I have two adapter, one for Apple and one for any Android mobile. मुझे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आप आराम से वीडियो बना सकते हो और वीडियो अपलोड कर सकते हो। इसको हम रख देते हैं इसके अंदर और ये आपको सी टाइप का केबल देखने को मिलेगा। गाइज, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। विदाउट योर लव्स आई एम नथिंग। सो हियर इट इज माई DJI ओस्मो पॉकेट विथ हार्ड केस। आप देख सकते हो कि इसमें भी DJI ओस्मो का ब्रांडिंग है। केस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अगर आप इसके अंदर रखोगे हमेशा तो ये आपका कैमरा काफ़ी सेफ रहेगा। और यही है हमारा DJI ओस्मो पॉकेट। सो काफ़ी फेमस ब्रांड है DJI ओस्मो पॉकेट। और गाइस, आप देख सकते हैं कितना छोटा सा है, कितना कॉम्पैक्ट साइज है। और गाइस, इस जगह से आपको मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा और यहाँ से आपको एडाप्टर को इंसर्ट करते हुए मोबाइल में कनेक्ट करना होगा। देखिए गाइज, इसका वेट है 116 ग्राम का। ये है सो लाइट वेट है ये। गाइज, एक तरफ से देखा जाए तो ये गिम्बल है, गिम्बल वाला स्मो पॉकेट है। काफ़ी बड़ी ब्रांड है DJI, उसमें जो मेविक मिनी जैसा, फ्लाई मोर जैसा ड्रोन बनाती है ये, उस ब्रांड का है ये। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। और ये भी लेंस हम निकाल देते हैं। और गाइज, आप लोगों को मेरा ये DJI ओस्मो पॉकेट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। और गाइज, आप स्क्रीन साइज देख सकते हो, स्क्रीन साइज एटलीस्ट 1 इंच का है। गाइज, इस एडाप्टर से आप मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हो, बट ये गाइज फिक्स करने में जितना आसान है उतना रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप देख रहे हो मैं रिमूव कर नहीं पा रही हूँ, बहुत टाइट हो रहा है इसको लगाने में, काफ़ी टाइट है गाइज। सो आई एम गोइंग टू पावर ऑन। गाइज, आप देख सकते हो ये टच स्क्रीन के साथ आता है। सो काफ़ी टच स्क्रीन भी रेस्पॉन्सिव है। तो गाइज, DJI ओस्मो पॉकेट के डाउनवर्ड के तरफ चार्जिंग स्लॉट है। सो यहाँ पर चार्जिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हो। गाइज, ये DJI ओस्मो पॉकेट विदाउट एक्सपेंशन किट, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। गाइज, आप देख सकते हो ये मेरा DJI ओस्मो का एक्सपेंशन किट है गाइज। सो इसको मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ। और गाइज, आप यही सोच रहे होंगे इसको मंगाने की क्या ज़रूरत है। गाइज,
डीजे ऑस्मो पॉकेट से क्लैरिटी के साथ और स्टेबिलाइजेशन के साथ बहुत अच्छी वीडियो तो बन जाती है गाइज, बट विदाउट दिस वो थोड़ा सा मतलब चलाने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो इसके होने के बाद ये वो अच्छे से मतलब चलता है और काम आसानी से हो जाता है। और गाइज आप देख रहे हैं इसके साथ ये सब कुछ मिलता है और इस बॉक्स में लिखा है 8000 का प्राइस है, बट मुझे 2400 रुपये का पड़ा है। देखिए इसमें आपको ये मेमोरी कार्ड मिलता है सैमसंग का, और गाइज आप देख सकते हो ये है कंट्रोलर व्हीलर से आप टिल्ट अप एंड डाउन कर सकते हो और पैन को राइट एंड लेफ्ट कर सकते हो। और ये है माउंट एसेसरीज, ये रखेंगे, ये वाईफाई है जिसके हम जिसके हेल्प से आपको अटैच करना नहीं पड़ेगा मोबाइल, डायरेक्ट आप इसको डीजे ऑस्मो को इसमें फिट करके आप मोबाइल से बिना इसमें बिना मोबाइल डीजे ऑस्मो में अटैच करें आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो ये पूरे एक्सपेंशन किट में आपको ये चार चीज देखने को मिलता है। इसका कोई बटन वो नहीं है गाइज, इसको अच्छे से फिट करना चाहिए गाइज। ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने फिक्स करा था, इसमें फिक्स नहीं हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, इसको अच्छे से फिक्स करना होता है कंट्रोलर व्हीलर को। शायद ये अच्छे से अटैच नहीं हुआ है गाइस, इसको अब अटैच हो जाएगा ये अच्छे से, पहले मैंने ठीक से नहीं लगाया था, ये ढंग से काम नहीं कर रहा था, अब ये एक ही बटन दबाने पर ये फ्लिप हो जाता है, अभी भी नहीं हुआ, शायद इसमें बटन कुछ करना होता हो। देखिए या नाउ इट्स वर्किंग वेल, इस कंट्रोलर व्हील के हेल्प से आप जो व्हील देख रहे हो इससे आपको टिल्ट को अप एंड डाउन कर सकते हो, और एक छोटा सा बटन सा दिख रहा है वो उसको प्रेस करने पर और दोबारा आप कंट्रोलर व्हीलर को अप एंड डाउन करने से ये पैन राइट एंड लेफ्ट हो जाता है। सो गाइस आप देख रहे हो कि ये एक बटन इसको लगाने के बाद, इस एक्सटेंशन किट को लगाने के बाद वन बटन प्रेस करने पर ये फ्लिप हो जाता है, और वन प्रेस करने पर वो दूसरी तरफ फ्लिप हो जाता है, काफ़ी एडवांटेज है ये। गाइज आप देख सकते हो ये वाईफाई मॉड्यूल है, नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस। गाइज आप देख सकते हो कि ये कनेक्ट हो गया है, इसको कनेक्ट करने से पहले आपको डीजे ऑस्मो पॉकेट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो ये रेडी है कनेक्ट होने के लिए। गाइज इसमें मैं अभी तो 32 GB का अभी मेमोरी इंसर्ट करूँगी, उसके बाद मैं 128 GB का मेमोरी कार्ड लूँगी। और गाइज देख सकते हो मैंने 128 GB का मेमोरी कार्ड लिया है, और ये वाली मेमोरी कार्ड मुझे 1200 रुपये की पड़ी है। गाइज मैंने एक्शन कैमरा के लिए मैंने टेम्पर ग्लास भी लिया है, इसमें आपको दो दो टेम्पर ग्लास मिल जाता है। गाइज इसके प्राइस 500 का है, बट मुझे 163 रुपीज की मिली है। सो गाइज मेरा वीडियो यहीं तक है, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।